हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे ओपन स्फीयर और ओपन बॉल से, ठीक है ना। इससे पहले वाले वीडियो में, सॉरी पिछले वाले वीडियो में हमने देखे थे कि यहाँ पर जो नॉर्म का जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस मतलब टॉपिक में और एक छोटी सी वीडियो बना दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेफिनेशन 9, लेट ए बिलोंग्स टू आर क्यूब, ठीक है ना। आर क्यूब एंड आर तो अभी पता है, हम वही पढ़ रहे हैं, है ना। आर क्यूब एंड आर, तो लेट ए बिलोंग्स टू आर क्यूब मतलब ए वन ए टू ए थ्री है, एंड आर ग्रेटर देन 0, बी ए रियल नंबर, ठीक है ना। देन द सेट एस ए आर एक्स बिलोंग्स टू आर क्यूब, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन आर। तो इसे हम क्या कहेंगे, ओपन स्फीयर और ओपन बॉल और ओपन डिस्क, ठीक है ना। तो ओपन स्फीयर याद रख रख लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन आता है ओपन स्फीयर या फिर ओपन डिस्क, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। विद सेंटर ए एंड रेडियस आर, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज एस ए आर इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री बिलोंग्स टू आर क्यूब, रूट ओवर ऑफ एक्स वाई माइनस ए आई का स्क्वायर ए लेस देन आर, ठीक है ना। इस तरीके से भी हम इसे लिख सकते हैं। तो इसे क्या कहते हैं हम, ओपन स्फीयर और ओपन बॉल और ओपन डिस्क। तो एस एस ऑफ ए आर इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, आर क्यूब में वो हो जाएगा आर स्क्वायर में ही। तो यहाँ पर और देखिए, इस जगह पर और इस जगह पर जो जो डिफरेंस है, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री है, एक्स वन एक्स टू है, और आर इक्वल्स टू वन टू टू है, वन टू थ्री है, और कोई यहाँ पर और कोई देखिए कुछ भी यहाँ पर डिफरेंस नहीं है। उसके बाद देखिए डेफिनेशन 10, ओपन क्यूब किसे कहते हैं, ए इक्वल्स टू ए वन ए टू ए थ्री बिलोंग्स टू आर क्यूब, जहाँ पर आर ग्रेटर देन 0। डिफाइन ए सेट एस गिवन बाय एस इक्वल्स टू एक्स एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री बिलोंग्स टू आर क्यूब, एक्स वन माइनस ए वन लेस देन आर, एक्स एक्स टू माइनस ए टू लेस देन आर, एंड एक्स थ्री माइनस ए थ्री लेस देन आर, इज ईच कॉल्ड द ओपन क्यूब ऑफ आर क्यूब, ठीक है ना। तभी हम एस को क्या कहेंगे, ओपन क्यूब, ठीक है ना। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो उसे हम क्या कहेंगे, ओपन क्यूब। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ये वाला कंडीशन एक्स नॉर्म मतलब ये वाला कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गया तो उसे हम क्या क्या कहेंगे, ओपन स्फीयर, ओपन बॉल और ओपन डिस्क, ठीक है ना। तो समझ में आ गया किसे हम कहेंगे ओपन क्यूब और किसे हम कहेंगे ओपन स्फीयर और ओपन डिस्क। तो अभी देखते हैं E21, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा 2-3 बार, ठीक है ना। सो दैट द ओपन डिस्क अ डी, देखिए ओपन डिस्क करके दिया हुआ है डी, द सेंटर ए इक्वल्स टू ए वन ए टू एंड रेडियस आर, इन आर आर स्क्वायर कंटेन द ओपन स्क्वायर ए वन। ए वन क्या है, एक्स वन एक्स टू, सच दैट एक्स वन माइनस ए वन इसका मॉड्यूलस लेस देन आर, एंड एक्स टू माइनस ए टू इसका मॉड्यूलस लेस देन आर, मतलब इन दोनों का माइनस करेंगे तो मतलब अगर माइनस में आ गया तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। मॉड्यूलस का मतलब यही है, ये लेस देन आर। तो देन एंड कॉन्टेन द ओपन स्क्वायर ए टू, ए टू क्या है, एक्स एक्स वन माइनस ए वन इसका डिस्टेंस जो है ये लेस देन हो जाएगा या आर माइनस आर बाई रूट टू, एंड एक्स टू माइनस ए टू इसका डिस्टेंस जो हो जाएगा आर माइनस आर बाई रूट उसके लेस, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्लियर है, हमें दिखाना क्या है, ठीक है ना। तो हमें ये करना है कि ये है एक ओपन डिस्क। तो पहले ही जो गिवन है, लेट इफ एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू एस, देन क्या है, एक्स वन एक्स टू अगर एक्स से बिलोंग्स करेगा तो यहां पर हमने ओपन क्यूब पढ़ा, सॉरी ओपन डिस्क पढ़ा। तो इसका जो हमें यहाँ से मिला, जो डेफिनेशन से मिला वो हम लिखेंगे। तो एक्स आई माइनस ए आई मतलब एक्स वन माइनस वन का स्क्वायर रूट ओवर प्लस एक्स टू माइनस ए टू का स्क्वायर, ठीक है ना, ये लेस देन हो जाएगा आर, यही हम लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। फोर सॉरी 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 तो देन क्या लिखेंगे, रूट ओवर ऑफ
एक्स वन माइनस ए वन का स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस ए टू का स्क्वायर, ये लेस देन हो जाएगा आर, ठीक है ना। एंड देयर फोर एक्स वन माइनस ए वन ये हमें गिवन है, एक्स वन माइनस ए वन इसका डिस्टेंस लेस देन आर, लेस देन आर मतलब एक्स वन माइनस ए वन क्या है, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, दिस इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ एक्स वन माइनस ए वन का स्क्वायर, है ना। एक्स वन माइनस ए वन का डिस्टेंस हम तो इस तरीके से ही निकल, एक्स वन माइनस ए वन का ये मॉड्यूलस इसका मतलब ही तो ये है ना, ये लेस देन आर। और एक्स एक्स टू माइनस ए टू दिस इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ एक्स टू माइनस ए टू इसका होल स्क्वायर, ये लेस देन आर आ जाएगा, है ना। दैट इज यहाँ पर एक्स वन एक्स टू, एक्स वन एक्स टू देखिए ये सेटिस्फाई कर रहा है ना। यहाँ पर ये हो जाएगा अगर ओपन ओपन डिस्क हो जाए तो ये है इसका डेफिनेशन से हमें ये मिलता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है रूट ओवर ऑफ एक्स वन माइनस ए वन का स्क्वायर एंड ये लेस देन आर हो जाएगा, आर बाई टू हो जाएगा, तो लेस देन तो आर ही हो जाएगा, है ना। तो एंड प्लस जो है एक्स एक्स टू माइनस ए टू का स्क्वायर ये भी लेस देन आर हो गया। तो इसका जो प्लस है ना, रूट रूट करके जो प्लस करेंगे वो तो लेस देन आ जाएगा आर से, ठीक है ना। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, दे आर फोर एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू ए, दैट इम्प्लाई दैट जो एस है, एस ए जे एस जो है ए वन में कॉन्टेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो देखिए ये हो गया कॉन्टेक्ट इन ओपन स्क्वायर ए वन, ठीक है ना। तो यहाँ पर ओपन डिस्क जो यहाँ पर एस है, ठीक है ना, ओपन डिस्क यहाँ पर डी डी गिवन दिया हुआ है हमें, तो यहाँ पर जो आंसर में है, आंसर में एस दिया हुआ है, आप लोग आंसर की जगह पर यहाँ पर डी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें डिस्क जो है ये डी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो दैट इम्प्लाई दैट जो ए है ये कंटेंट कर रहा है डी में, ठीक है ना। तो दैट मीन्स डी ये कंटेंट ऑफ ए वन, ठीक है ना। तो ठीक है ना, तो ये दिया हुआ था कंटेंट इन ओपन स्क्वायर ए वन, तो डी जो है ये कंटेंट कर रहा है ए वन में। अभी ए टू कब आ रही है ना, तो ए टू देखेंगे। नाउ एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू क्या है, ए टू, ठीक है ना। ए वन ए वन में हो गया, अभी चेक करते हैं ए टू में। तो यहाँ पर कंडीशन क्या दिया हुआ है, ए टू में बिलोंग्स करेगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा, है ना। तो एक्स वन माइनस ए वन ये लेस देन आर बाई रूट टू एंड एक्स वन माइनस एक्स एक्स टू माइनस ए टू ये लेस देन आर बाई रूट टू एंड क्या आ जाएगा, इसका मतलब क्या है, एक्स वन माइनस ए वन का स्क्वायर रूट ओवर ऑफ ये लेस देन आर बाई रूट टू एंड रूट ओवर ऑफ एक्स टू माइनस ए टू का स्क्वायर ये लेस देन आर बाई रूट टू, इसका मतलब एक्स वन माइनस ए वन का स्क्वायर ये लेस देन हो जाएगा आर स्क्वायर बाई टू एंड एक्स टू माइनस ए टू का स्क्वायर ये लेस देन हो जाएगा आर स्क्वायर बाई टू, ठीक है ना। दैट इम्प्लाई दैट दोनों को प्लस कर देंगे, एक्स वन माइनस ए वन का स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस ए टू का स्क्वायर ये लेस देन हो जाएगा आर स्क्वायर बाई टू प्लस आर स्क्वायर बाई टू से, दैट इम्प्लाई दैट आर से, ठीक है ना। और एक्स वन माइनस ए वन का स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस ए टू का स्क्वायर ये लेस देन आर स्क्वायर, तो ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा मतलब कंडीशन सेटिस्फाई, रूट ओवर ऑफ एक्स वन माइनस ए वन का स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस ए टू का स्क्वायर ये लेस देन आर, यही तो था हमारा कंडीशन। तो कंडीशन हो गया सेटिस्फाई, इसका मतलब क्या है, जो सेट ओपन डी है ये कंटेन कर रहा है ए टू में, ठीक है ना। तो यही हो गया आपका आंसर, समझ में आ गया, ठीक है ना। उसके बाद देखिए E22, E22 क्या है, सो दैट द ओपन स्फीयर एस सेंटर सेंटर क्या है ए वन ए टू ए थ्री एंड रेडियस है आर, तो सी वन दिया हुआ है सी टू दिया हुआ है, एकदम सेम तरीके से करना है, ठीक है ना। तो देखिए सी वन इक्वल्स टू एक्स वन ए वन एक्स वन माइनस ए वन ये है लेस देन आर, तो मान लीजिए एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री बिलोंग्स टू क्या है सी सी वन, ठीक है ना, सॉरी बिलोंग्स टू एस, लेट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ये बिलोंग्स टू एस, ठीक है ना। दैट इम्प्लाई दैट
रूट ओवर ऑफ एक्स वन माइनस ए वन का स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस ए टू का स्क्वायर प्लस एक्स थ्री माइनस ए थ्री का स्क्वायर, ये हो जाएगा लेस देन आर। दैट इम्प्लाई दैट एक्स वन माइनस ए वन का स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस ए टू का स्क्वायर प्लस एक्स थ्री माइनस ए थ्री का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें कहाँ लाना है कि एक्स वन माइनस ए वन लेस देन आर, तो ये जो कंडीशन है इस कंडीशन में हमें लाना है। अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो ये जो है डेफिनेशन से हमने यहाँ पर लिख लिए है ना, ये जो है डेफिनेशन है, डेफिनेशन से लिख लिया। उसके बाद जो यहाँ पर दिया हुआ है कंडीशन, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गया तो हम क्या बोल देंगे कि जो यहाँ पर एस है ये कॉन्टेंट ऑन ओपन क्यूब सी वन, ठीक है ना। तो ये लेस देन आर, दैट इम्प्लाई दैट आर स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर कर दिए है ना, तो एक्स वन माइनस ए वन का स्क्वायर ये जो है लेस देन आर स्क्वायर आ जाएगा, एंड एक्स एक्स टू माइनस ए टू का स्क्वायर जो है ये लेस देन आर स्क्वायर, एंड एक्स थ्री माइनस ए थ्री जो है इसका होल स्क्वायर लेस देन आर स्क्वायर। दैट इम्प्लाई दैट नॉर्म ऑफ मतलब इसका डिस्टेंस है एक्स वन माइनस ए वन ये लेस देन आर, या फिर एक एक भी अगर एक ही देना है तो ये कोई बात नहीं है ना। तो एक्स वन माइनस ए वन ये लेस देन आर, एक्स टू माइनस ए टू ये भी हो जाएगा लेस देन आर, एंड एक्स थ्री माइनस ए थ्री ये भी लेस देन हो जाएगा आर, ठीक है ना। तो कंडीशन सेटिस्फाई, दैट इम्प्लाइज एस कंटेंट इन सी क्यू, सॉरी सी वन है ना। अभी देखेंगे सी टू में, तो लेट करेंगे एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री बिलोंग्स टू सी टू, तो वहां से हमें ये लाना है, ठीक है ना। तो इससे हम क्या कर देंगे कि इससे हम जाएंगे जो हमारा कंडीशन है मतलब जो डेफिनेशंस है, तो वहां से कर लेंगे। देखिए लेट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ये बिलोंग्स टू सी टू, दैट इम्प्लाई दैट एक्स वन माइनस ए वन बिलोंग्स टू सी टू, मतलब ये जो है ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। तो ये हम लिख देंगे, ये जो है लेस देन आर बाई रूट थ्री, एंड एक्स टू माइनस ए टू ये जो है लेस देन आर बाई रूट थ्री, एंड एक्स थ्री माइनस ए थ्री ये लेस देन आर बाई रूट थ्री, ठीक है ना। दैट इम्प्लाई दैट ये हम किस तरीके से लिखेंगे, ये हो जाएगा देखिए रूट ओवर ऑफ एक्स वन माइनस ए वन का स्क्वायर ये लेस देन आर बाई रूट थ्री, एंड रूट ओवर ऑफ एक्स एक्स टू माइनस ए टू का स्क्वायर ये लेस देन आर बाई रूट थ्री, एंड एक्स थ्री माइनस ए थ्री रूट ओवर ऑफ इसका स्क्वायर ये लेस देन आर बाई रूट थ्री, ठीक है ना, आर बाई रूट थ्री। तो अब ये सभी को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और हाँ और देखिए और रूट ओवर ऑफ एक्स वन माइनस ए वन का स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस ए टू का स्क्वायर प्लस एक्स थ्री माइनस ए थ्री का स्क्वायर ये हो जाएगा लेस देन रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर बाई थ्री प्लस आर स्क्वायर बाई थ्री प्लस आर स्क्वायर बाई थ्री। दैट इम्प्लाई रूट रूट को कैंसिल आउट कर देंगे मतलब स्क्वायर कर देंगे, तो क्या आ जाएगा एक्स वन माइनस ए वन प्लस एक्स टू का स्क्वायर माइनस ए टू का स्क्वायर प्लस एक्स थ्री माइनस ए थ्री का स्क्वायर ये लेस देन आ जाएगा थ्री डिवाइडेड बाई थ्री आर स्क्वायर, मतलब लेस देन आर स्क्वायर आएगा, थ्री आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई थ्री आ जाएगा, है ना। तो ये लेस देन आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो स्क्वायर को यहाँ पर कैंसिल आउट कर देंगे, रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर या इसका मतलब आर है ना, ये आर है। इम्प्लाई दैट इसे हम किस तरीके से लिखेंगे, नॉर्म ऑफ एक्स वन माइनस ए वन एक्स टू माइनस ए टू एक्स थ्री माइनस ए थ्री लेस देन आर। दैट इम्प्लाई दैट ये हो गया हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड, सी टू जो है ये कंटेंट इन एस, ठीक है ना। तो कौन सा अगर आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है कि दिखाइए एस जो है कंटेंट इन सी वन, तो हमें डेफिनेशन से कहाँ पर आना है, सी वन पर, ठीक है ना। और अगर हमें बोल रहा है कंटेंट इन सी टू, ठीक है ना,
तो मतलब सी टू जो है ओपन क्यूब सी टू, तो सी टू कॉन्टेंट इन एस दिखाने के लिए हमें सी टू का जो यहाँ पर गिवन है तो उससे हमें जाना चाहिए क्या है डेफिनेशन, डेफिनेशन में, ठीक है ना। तो समझ में आ गया यहाँ पर ये किस तरीके से हो रहा है। ये दो से तीन बार प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं सेकेंड टाइम आप लोगों को बता दूंगी, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। MT7 में था ये दोनों क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस आते थे, क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को ये प्रैक्टिस करना है। अगले वीडियो में हम देखेंगे फंक्शंस फ्रॉम R to N to R, ठीक है ना। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।